प्रतिहारिणी दुर्गाम्बे दुर्गतिहारिणी दुर्गाम्बे तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो भव भय हारिणी भवानी अम्बे भव भय हारिणी भवानी अम्बे चरणों में नमस्कार हो तेरे चरणों में नमस्कार हो तेरे चरणों में नमस्कार हो तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो तेरी ही आभा से ज्योति सूरज चांद सितारे तेरी ही माँ शक्ति लेकर खड़े हुए हैं सारे तेरी ही आभा से ज्योति सूरज चांद सितारे तेरी ही माँ शक्ति लेकर खड़े हुए हैं सारे सुखदाई हो सृष्टि सारी सुखदाई हो सृष्टि सारी हल्का दुख का भार हो माँ हल्का दुख का भार हो माँ हल्का दुख का भार हो तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो दुर्गति हारिणी दुर्गाम्बे दुर्गति हारिणी दुर्गाम्बे तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो माँ तेरी जय जयकार हो हे महादेवी हे कल्याणी दुष्टों का संहार करो मंगलमय वरदान दो मैया भव से बेड़ा पार करो हे महादेवी हे कल्याणी दुष्टों का संहार करो मंगलमय वरदान दो मैया भव से बेड़ा पार करो भाव भक्ति से शरण में आए भाव भक्ति से शरण में आए विनती माँ स्वीकार करो मेरी विनती माँ स्वीकार करो मैं विनती माँ स्वीकार करो तेरी जय जयकार।
जयकार हो माँ, तेरी जय जयकार हो। दुर्गति हारिणी दुर्गाम्बे, दुर्गति हारिणी दुर्गाम्बे, तेरी जय जयकार हो माँ, तेरी जय जयकार हो माँ, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो माँ, तेरी जय जयकार हो माँ, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो। जय श्री माता जी। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। स्कंद माता के रूप में आज हम श्री माता जी का आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनके श्री चरणों में ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके बंधन ले लीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त सहस्रार पर और दृष्टि श्री माता जी की बिंदी की ओर। मन में प्रार्थना, श्री माता जी कृपया मुझे निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब तीन महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती श्री सहस्रा
जय श्री माता जी। अब नाड़ियों के संतुलन के लिए लेफ्ट हैंड श्री माता जी की और राइट हैंड जमीन पर, मन में प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके मेरी चंद्र नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जड़ता है, कृपया उसका शोषण भूमि तत्व द्वारा कर लीजिए। चित्त बाएं हाथ की हथेली पर चारों ओर घुमाएं, भवसागर के स्थान पर। श्री माता जी कृपया मेरे अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। चित्त मूलाधार चक्र पर, श्री माता जी कृपया मेरे अंदर गणेश तत्व जागृत कर दीजिए। श्री गणेश मंत्र, ओम त्वमे साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपना राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड कोहनी के पास समर्थ आकाश की ओर। मन में प्रार्थना, श्री माता जी कृपा करके मेरी सूर्य नाड़ी में जो भी असंतुलन है, अनावश्यक गर्मी है, कृपया उसका शोषण आकाश मार्ग द्वारा कर लीजिए। अपना चित्त नाभि के राइट साइड में रखें। श्री माता जी कृपया मेरा चित्त अंदर की ओर स्थिर कर दीजिए। दोनों हाथ जमीन पर, मन में प्रार्थना, हे भूमि माता, मेरे सातों चक्रों तीनों नाड़ियों में जो भी असंतुलन शेष है, जो भी नकारात्मकता शेष है, कृपया उसका शोषण कर लीजिए। दोनों हाथ सामने हृदय लेवल पर ले लें। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। हम सब प्रार्थना करते हैं
श्री माता जी को स्कंद माता के रूप में आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं, श्री माता जी कृपया आप स्कंद माता के रूप में यहाँ पर आकर विराजमान होइए और हम सब बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। स्कंद माता का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्कंद माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपना चित्त दोनों हाथ की हथेली पर उंगली पर और तारु भाग पर बारी बारी से रोटेट करें। तीनों स्थान पर सहस्रार के स्थान हैं, वाइब्रेशंस का प्रभाव महसूस करें। आह्वान के बाद वाइब्रेशंस बढ़ गए हैं उसको महसूस करें और ये संकेत है कि श्री माता जी यहाँ पधार चुकी हैं। अब हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर श्री माता जी का स्वागत करेंगे स्वागत गीत से। जय श्री माता। I'm
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। अब श्री माता जी को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज चक्रों के हिसाब से पांचवा दिन विशुद्धि चक्र का आता है, तो अपना राइट हैंड गले के मध्य में रखें विशुद्धि चक्र पर। मन में प्रार्थना, श्री माता जी कृपया मेरा विशुद्धि चक्र पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरी वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे साक्षी भाव प्रदान कीजिए। श्री राधा कृष्ण का मंत्र, ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब हाथ नीचे ले लें। आज के दिन श्री माताजी ने बताया है कि हमको अर्गला स्त्रोत का पाठ करना चाहिए या उसका श्रवण करना चाहिए, तो हम इसका पाठ का श्रवण करेंगे और उसके बाद एक भजन भी सुनेंगे। जय श्री माता। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम्। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम मार्कण्डेय उवाच। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर निर्णाश विधात्रि वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्त बीज वधे देवि चंड मुंड विनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुंभस्य च निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वंदितांघ्रि युगे देवैर्देवि सौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिंत्य रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवि भक्त जनोद्दाम दत्तानंदोदयेम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चंडिके प्रणतायमे।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुर शिरो रत्न निगृष्ट चरणेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावंतं यशस्वंतं लक्ष्मीवंतं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रां देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति संपदाम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे अर्गलास्तोत्रं संपूर्णम् तिहारे माँ जो बैठे चरणों में तिहारे उसे वाणी का वरदान मिले उसे वाणी का वरदान बैठे चरणों में तिहारे जो बैठे चरणों में तिहारे उसे वाणी का वरदान मिले उसे वाणी का वरदान मिले माँ तू जिसकी ओर निहार
रे माँ तू जिसकी हो रही हारे चरणों में तिहारे जो बैठे चरणों में तिहारे तुझे वाणी का वरदान मिले उसे वाणी का वरदान मिले माँ तू जिसकी ओर निहारे माँ तू जिसकी ओर निहारे उसे आत्मा का भी ज्ञान मिले उसे आत्मा का भी ज्ञान मिले समर्पित गान समर्पित कंठ समर्पित गान समर्पित कंठ समर्पित गान समर्पित कंठ समर्पित हृदय समर्पित प्राण समर्पित हृदय समर्पित प्राण समर्पित अर्पित श्रद्धा भाव हमारे अर्पित श्रद्धा भाव हमारे हम साचे स्वर चरणों में तिहारे जो बैठे चरणों में तिहारे शिवानी का वरदान मिले शिवानी का वरदान मिले माँ तू जिसकी ओर निहारे माँ तू जिसकी ओर निहारे उसे आत्मा का ज्ञान मिले उसे आत्मा का ज्ञान मिले शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर कुछ भी नहीं है संगीत से बढ़कर कुछ भी नहीं है संगीत से बढ़कर शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर शब्द कहाए ब्रह्म सहोदर कुछ भी नहीं है संगीत से पढ़ कर कुछ भी नहीं है संगीत
चढ़कर स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, शिष्य हज स्वयं श्रीमान जी मिले, सहज स्वयं श्रीमान जी मिले, उसे सहज स्वयं श्रीमान जी मिले, उसे सहज स्वयं श्रीमान जी मिले, वो बैठे चरणों में तिहारे, जो बैठे चरणों में तिहारे, सेवाणी का वरदान मिले, सेवाणी का वरदान मिले, माँ तू जिसकी ओर निहारे, माँ तू जिसकी ओर निहारे, उसे आत्मा का विज्ञान मिले, उसे आत्मा का विज्ञान मिले, वरते पीना वरते, स्वर श्रुति ते कर सास्वत कर दे, स्वर श्रुति ते कर सास्वत कर दे, वरते पीना वादन परते, वरते पीना स्वर श्रुति दे कर सास्वत कर दे, स्वर श्रुति दे कर सास्वत कर दे, तेरी पीना जब झनकारे, तेरी पीना जब झनकारे, तब शहजी को नव प्राण मिले, तब सहजी को नव प्राण मिले, जो बैठे चरणों में तिहारे, जो बैठे चरणों में तिहारे, सेवाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले, माँ तू जिसकी ओर निहारे, माँ तू जिसकी ओर निहारे, से आत्मा का ज्ञान मिले, उसे आत्मा ज्ञान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे आत्मा का ज्ञान मिले, उसे आत्मा का ज्ञान मिले। जय श्री माता जी। अब परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। डेट है 12 जुलाई 96 श्री लक्ष्मी पूजा। Thank you.
उसके आसपास सहयोग बहुत जोर में फैल रहा। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात कि दिल्ली शहर राजधानी है और यहाँ अधिकतर लोग सत्ता लोलुप हैं। जो सत्ता पर है उनके आगे पीछे लोग दौड़ते हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी अपनी आत्मशक्ति को खोजना, अपना आत्मबोध कराना और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, ये इच्छा रखना ही बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यह सूक्ष्म चीज है, अत्यंत सूक्ष्म है। ऊपरी तरह से हम हर चीज को बहुत मानते हैं, जैसे है। मैंने बहुत बार आपके सामने उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा चित्र अगर आप देख रहे हैं और उस चित्र में बरसात हो रही है, बहुत सुंदर फूल हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और आप चित्र को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उस चित्र की जो अनुभूति है वो आप में नहीं, इसलिए उसकी अनुभूति लेने की आवश्यकता है। और अनुभूति लेने के लिए एक बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। वो सूक्ष्म विचार आपके अंदर जागृत हो गया, यही कमाल है कि हमने अभी तक यथार्थ को पाया नहीं, हमने अभी तक असलियत को पाया नहीं। कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे हम भागते हैं, उसमें सत्य नहीं है। और इस प्रकार मनुष्य कहां से कहां भटक जाता है। बाह्यता धर्म के अवलंबन में मनुष्य भागता, मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। दूसरा कहेगा मेरा धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। तीसरा कहेगा मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो हमको मिलना है हम ही पालेंगे, हम क्यों सहयोग करें, हम खुद ही से पालेंगे। इस प्रकार दो तरह के लोग देखे गए, एक तो जो अपने अहंभाव में खो गए और दूसरे जो हैं वो शरणागत होकर गलत चीजों में घुस गए। ये दोनों तरह की व्यक्तियां सूक्ष्मता में नहीं उतर सकते, उसी में उनको मौज आती, उसी में आनंद में। एक सोचता है कि मैं तो बस इस चीज में पड़ा हूं, अब मैं बस रात दिन भजन कीर्तन सवेरे 4 बजे उठ करके पठन करते रहता हूं। एक साहब मुझे मिले थे, अभी जवान थे, मैंने उनसे कहा कि सहयोग में आने के लिए तुमको कुछ करना नहीं। कहले कुछ नहीं करने का। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं करना। तो कहने लगे फिर सुबह से उठ के करना क्या, कुछ तो करना ही चाहिए सुबह से उठ के। तो ये जो भावना हमारे अंदर है कि हमें अपने को प्राप्त करने के लिए, अपने को जानने के लिए कुछ करना है, सो गलत है। ये तो आप लोग जान गए कि बगैर कुछ किए ही आप सहज को प्राप्त हो गए। अब दूसरे अहंकारी हैं जो सोचते हैं कि हमको क्या करना, हम ही इसको खोज लेंगे, हम ही इसे पालेंगे। तो उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए, उनसे भिड़ने से अपनी खोपड़ी खराब करने से पहले। और दुनिया में सभी लोग होंगे ऐसे, ये भी सोचना मेरे ख्याल से गलत बात है। बहुत से लोग लेकिन इस कलयुग में परिवर्तित हो जाएंगे।
क्योंकि ये परिवर्तन का समय, इस समय में परिवर्तन होगा ही, आप चाहें या न चाहें, किंतु चाहने पे इस परिवर्तन की जो सूक्ष्मता है उसे आप पकड़ लेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूंगी कि रशिया देश, जो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना था और ना उनको परमात्मा की बात करने की इजाजत थी, ना ही कोई वो धर्म की बात जानते थे, और बड़ी ताड़ना में, बड़ी कठिन समस्याओं में वो बिचारे बन थे, घुट रहे थे। उस घुटन में उनमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो वो सहज में उतर गए? किस बात के कारण ये लोग एकदम से सहज में आ गए? वो बात है जिसे हम कहते हैं कि अपने को पहचानना। इसको अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हम अगर ये समझे बैठे कि हम परिपूर्ण हैं तो कार्य नहीं हो सकता। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, और सहयोगी होने के बाद भी ये देखना अत्यावश्यक है। सहयोग फैल रहा है, फैल रहा है, फैलती हुई चीज फट भी जाती है, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे दोष हैं वो पकड़ लेते हैं। मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें दो भाग हो गए, फिर सुना कि नोएडा में भी दो ग्रुप हो गए, फिर और जगह भी ऐसे दो ग्रुप हो गए, कहीं चार ग्रुप हो गए, कहीं पांच ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं उसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बीवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू करते थे कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है, फिर चार और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दस और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहां तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए, तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं, मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि
लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर है। एक मजा लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है, ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आईं जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना इस सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं जिसकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आता। ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग गया तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं है। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर सहयोग का अभियान हो जाएगा, फिर आप अनेक लोगों को प्यार कर सकते हैं, अनेक लोगों में आत्मदर्शन हो सकता है। अब अपनी जिम्मेदारी को और आप समझें। आज संसार में रोज अखबार पढ़िए तो रोना ही आता है, क्या न क्या गड़बड़ हो रही है, हर तरफ से कैसा आतंक मचा। ऐसी समय में आप संत हो गए, आप आत्म साक्षात्कार ही हो गए, आप इतने ऊंचे स्थान पर चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि ये जो कुछ गड़बड़ियां इसको अपने आत्मबल से रोक, इसे ठीक करें। आपको लड़ने झगड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल है जिस बलबूते पर आप ये जो तनाव, जो झगड़े, जो आफतें आज अपने देश में हैं उन्हें पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी सहयोग की महत्ता यह है कि जो ये लोग अपने को आज तक समझे बैठे हैं कि वह हम कुछ भी करें, चोरी करें, चकारी करें, ये करें, वो करें, चल नहीं सकता। अब सब चीज जो है प्रकाशित होगी, सब चीज प्रकाश में आएगी, जो गड़बड़ करेगा वो प्रकाश में आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और
ऐसे लोगों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि धारणा करना और आप साधु बाबा बन के और समाधि लगा के बैठ गए, बिल्कुल ये सहयोग में मतलब नहीं, और जगह होता हो। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि जो धर्म आपने धारण किया, जिस धर्म के कारण आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई, जिसके कारण आज आप आनंद विभोर हैं, वो धर्म भी दूसरों में बांटे और इस धर्म के अपने माध्यम से दर्शन दें। आपको देखकर लोग कहें कि ये कोई विशेष है, लेकिन आप अगर और लोगों की तरह ही आपसी लड़ाई और तमाशगिरी करें तो कौन मानेगा कि आप सहयोगी हैं? आपकी शांति, आपका औदार्य और आपकी सहिष्णुता सब कुछ एक साथ देख करके कोई भी अचंभे में पड़ेगा। और आपके अंदर सारी शक्तियां, आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, करने वाले बहुत बैठे हो, आप जानते हैं इस बात को। और वो जो करने वाले हैं वो सब कर बैठेंगे, सिर्फ आप शांतिपूर्वक अडिग देखते मात्र रहें, सारा नाटक आप देखते रहें जो आप कर सकते हैं। एक तरफ तो अपनी ओर नजर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन से गर्त में घुसा जा रहा हूं, ये चार लोग बड़बड़ा रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ लग गया हूं क्या? और दूसरी तरफ नजर बाहर कि मेरे कारण कुछ लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सहयोग में आया। अब पहले से हालत बहुत ठीक है, शुरू में तो ऐसी चिट्ठियां आती थी कि बस मेरे माँ के बाप के फलाने के ढिकाने के टुकाने के कुछ के उसको बीमारी हो गई, माँ उसे ठीक करो, सारे दुनिया के ठेकेदारी और सहयोगी भी बहुत लगे रहते थे। अब वो चीज छूट गई, उतनी खुदगर्जी खत्म हो गई। जय श्री माता जी। आज का जो लेक्चर था ये राजलक्ष्मी पूजा 7/12/96 डेट है इसकी, 12/7 की 7/12/96। और अब हम एक भजन सुनेंगे पहले, उसके बाद श्री माता जी के 108 नाम लेते हुए भजन के माध्यम से हृदय से श्री माता जी की पूजा करेंगे। जय श्री माता। ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। है माँ
भाग भाई, अब माँ की शरण लेना, हुए धन्य भाग भाई, अब माँ की शरण लेना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, सब पिछले पाप कटे अब सत्य कर्म पाए, सब पिछले पाप कटे अब सत्य कर्म पाए, ना छोटा कोई बड़ा है, सब एक माँ के जाए, ना छोटा कोई बड़ा है, सब एक माँ के जाए, अब माँ की आज्ञा पाके, अब माँ की आज्ञा पाके, सिर पे बंधन लेना, अब माँ की आज्ञा पाके, सिर पे बंधन लेना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, कुंडलिनी की पूजा कर जो मूलाधार समाई, कुंडलिनी की पूजा कर जो मूलाधार समाई, वो अजर अमर देवी है वेदों ने भी बतलाई, वो अजर अमर देवी है वेदों ने भी बतलाई, देवों ने भी महिमा गाई, देवों ने भी महिमा गाई, भजे खुद भी दिन रहना, देवों ने भी महिमा गाई, भजे खुद भी दिन रहना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, निराकार में ध्यान लगा, देवों को शीश झुका के, निराकार में ध्यान लगा, देवों को शीश झुका के, खुद की शक्ति पहचान, माँ के चरण कमल में जाके, खुद की शक्ति पहचान, माँ के चरण कमल में जाके, निरानंद सागर में नहा के,
निरानंद सागर में नहा के निर्मल नगरी में रहना, निरानंद सागर में नहा के निर्मल नगरी में रहना, माता की ममता को दिल से न भुला देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना, जब कष्ट पड़े कोई माता को सुना देना। तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्तन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्तन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत के जननी, तू है सारे जगत के जननी, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी, तू है सारे जगत की जननी, श्री माता निश्चिंता गर्विता लोकातीता, तू है निस्तुला निर्मला वंदारो जनवत्सला, तू है निरीश्वरा गंभीरा निरंतरा धर्माधारा, तू है निष्क्रिया निरक्रिया भक्ति क्रिया निराकुला, तेरी कृपा हो जाए हम पर, तू है सच्चिदानंद रूपिणी, तू है सच्चिदानंद रूपिणी, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी, तू है सारे जगत की जननी, तू है निर्गुणा निरंजना निष्कलंका चंडिका, तू है निरपाया निराश्रया निर्लेपा त्रिगुणात्मिका, तू है निष्पापा निर्भवा निष्कला निरुपप्लवा, तू है निर्मोहा निर्मका निर्विकारा क्षमात्मिका, तेरी कृपा हो जाए हम पर, तू है महापातक नाशिनी, तू है महापातक नाशिनी, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन जाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन जाते हैं, तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी, तू है सारे जगत की जननी, तू है महारथी गुरुमूर्ति शाश्वती परमेश्वरी, तू है चित शक्ति सुधा सुधी निर्नाशा रक्षा करी,
तू है विलासिनी एकाकिनी विष्णु ग्रंथि विभेदिनी तू है निरुपाधि महाशक्ति आदि शक्ति शुभंकरी तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है सहज योग दायिनी तू है सहज योग दायिनी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निश्री जाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निश्री जाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी तू है निराधारा निराकारा नित्य यवना पद्मासना तू है निरंकारा नीलचिकुरा शांत करुणा निष्करणा तू है महामाया निसंशया भक्ति गम्या रवि प्रज्ञा तू है चंद्रनिभा सुखराभ्या स्वभाव मधुरा सुख प्रजा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है नित्य लीला विनोदिनी तू है नित्य लीला विनोदिनी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निश्री जाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निश्री जाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी तू है पद्मधरा महापूजा पुण्यलता विश्वरूपा तू है महादेवी भगवती शोभना सुलभावती तू है पाशहती पराशक्ति परमानुपवनाकृति तू है निष्कामा निर्विकारा वीर माता विश्वकर्मा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है भवानी विश्व साक्षी तू है भवानी विश्व साक्षी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निश्री जाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निश्री जाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी अत्यंत रूपा अकुला समर्चिता तू है विश्व देव कार्य समुद्रता तू है श्री सदाश श्री महाराज विमला विजया लीलागा तू है सस्ता लज्जा निष्परिग्रहा माते पुष्टि योगा तू है शर्मदायिनी निर्नामा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है वरदा शिप्र प्रसादिनी तू है वरदा शिप्र प्रसादिनी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठुर गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठुर गाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी ॐ त्वमेव
निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके बंधन ले लें। जय श्री माता जी। दोनों हाथ अपने हृदय लेवल पर ले लें। पूजा के बाद जो वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं उसको महसूस करें दोनों हाथों पर, उंगलियों पर, तालु भाग पर। जो साधक आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्यक्रम हमारा प्रतिदिन सुबह 5:30 से 7 तक होता है, लेकिन ये कार्यक्रम हम 10 पहले ही शुरू कर देते हैं 5:20 पर। अतः सभी से निवेदन है कि कृपया 5:20 पर इसमें जुड़ने का प्रयास करें तथा कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहें ताकि इसका पूरा लाभ, श्री माता जी के वाइब्रेशंस का आशीर्वाद का पूरा लाभ मिलता रहे। अब हम चित्त सहस्रार पर रखते हुए एक इंस्ट्रूमेंटल 5 का है वो सुनेंगे और उसके बाद स्वतः ही आज का सत्र समाप्त हो जाएगा। जय श्री माता जी।